तो गाइस फाइनली अभी बहुत दिन का बाद में बिटुल भाई का घर में आ चुका हूँ। प्रियंका जी कहाँ गया? सो रहे? मैं भी सो रहा था। अच्छा 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 अच्छा। और खबर सबर कैसे आपका? ठीक ठाक। आप दोनों का बढ़िया? बढ़िया ना। हो ये पूरा गर्म तो पूरा धुम धड़का गए दो तीन दिन से। सो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस, तो गाइस आप लोग एक्चुअली सोचा होगा आज रूपम भाई का एकदम दरबदर से मैं वीडियो शुरू किया हूँ, क्योंकि मेरा बहुत परेशान हो चुका था गाइस। तो क्या बोलते हैं आजकल का सैमसंग नए मॉडल में पूरा डबल टैप डबल टैप, कहाँ बॉटम टिप गया भगवान जाने। तो मेरा पूरा परेशान आ चुका था, लेकिन उस दिन भी ऐसा हुआ था, रूपम भाई ठीक कर दिया। और यहाँ मैं भी आके रूपम भाई के साथ में गप्पे सप लगाया, फिर ठीक कर दिया ना, ठीक हो गया अभी। नो टेंशन। हाँ नो टेंशन, नो टेंशन। ये और क्या बोलता है जो मुझे मैसेज कर रहा था, जी जी, जिनको जो मतलब पैसा भेज रहा था हांगकांग से ना, वो पैसा जो है समीर भैया को मिल चुका है 10,000 रुपया साइकिल लेने के लिए। तो जो भी देख रहा है वो जो है हांगकांग डॉलर भेजा था, तो पता नहीं वो शायद हांगकांग में होते होंगे, मुझे फोटो वगैरह भी भेजा है। जी जी, तो जी। आप जो है जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुके, आ चुके। थोड़ा सा डॉलर से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग गया ना, उसी कारण से हम लोग जो QR कोड डाल दिया था ना, उपाय नहीं। तो एक्चुअली अभी प्रॉब्लम ये है कि समीर भैया के पास पैसे बहुत कम होते हैं, तो उसके पास साइकिल तो है, साइकिल खरीदने के लिए पैसे किया है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि क्या करो, साइकिल खरीदू ना घर बनाऊ, क्योंकि आपने जो है साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया है। जी जी जी। फिर बाद में समीर भैया अपना मन मर्जी से अगर घर में इन्वेस्ट कर देंगे उसको, फिर आपको भी बुरा लग सकता है, बुरा लग सकता है, सोच में पड़े हुए हैं। तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैसेज कर दिया है समीर भैया का, आप एक बार कॉल कर लो और बात कर लो समीर भैया और आप दोनों। जी जी जी। तो इतना कहने के लिए भी थैंक यू सो मच रूपम भाई को। और गाइस मैं भी वही सोच रहा हूँ घर बनाऊना क्या करूँ, वही परेशान हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो नंबर रूपम भाई ने दे दिया तो भैया ने कॉल करने के बाद में उसने साइकिल खरीदने के लिए दिया, फिर आप साइकिल नहीं कर दोगे उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, एक गिफ्ट का तरह दे रहा है ना, तो इसी कारण से देखते हैं। और वो भैया को कॉल नंबर जो मेरा फोन नंबर तो दे दिया रूपम भाई, तो कॉल करने के बाद में हम लोग डिसीजन कर लेंगे, तो है कि नहीं, कॉन्टेक्ट होने के बाद। तो अब जाते हैं आपका मामा का घर में ना, ये अंकल अंकल चाचा, ये क्या बोलेगा मोसा, अच्छा वहाँ भी पूजा है ना, पूजा। चलो जाते हैं, लोकल ट्रेडिशनल ना, चलिए तो जाते हैं गाइस, बने रहे। तो आज कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, आज बिटुल भाई को बहुत दिन हुआ नहीं मिला है, और बिटुल भाई भी ब्लॉक अभी नहीं दे रहा है ना, अभी और थोड़ा सा उसको वो जेल के अंदर में है, अभी जेल के अंदर है, थोड़ा दिन तक छुट्टी मिलेगा। वही वही भाई भी तो एक बार ऐसे दो तीन बार पड़ गया, अभी तो भाई पूरा काबू। चलो किरण जाते हैं, क्या लिया अमरुद? चलो ऊपर में बढ़िया बढ़िया वाला, नहीं बहुत ठीक है, बाद में जाने समय ले जाएगा। रोहित अंजू तो बहुत ज्यादा खाता है, तो जाते है ना। तो देख सकते गाइस यहाँ पर और यहाँ पर रूपम भाई बैठ रहे हैं, और किरण और सभी खाना पीना पूरा रेडी हो चुका है गाइस। अभी छाया पर बैठ रहा हूँ, बहुत गर्म है ना गाइस। तो गाइस अभी पूजा का प्रसादी तो दिया है, अभी खाना पड़ेगा, और सभी खा रहा है गाइस, देखिए पूरा सभी मिलजुल के खा रहा है गाइस। ये देखिए अभी ये भी खाना पड़ेगा मुझे, तो खा लेते गाइस। अभी गाइस खाना खाने के लिए रेडी हो चुका है, यहाँ पर पूरा सब्जी दे रहा है, और वहाँ पर मच्छी, और इस तरह बॉम्बी सूट गाइस, ये देखिए। यहाँ पर पूरा मच्छी निकल रहा गाइस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते गाइस, खा लेते गाइस। तो अभी गाइस खाना साना भी खा लिया हम लोग, और जाना पड़ेगा अभी अपना वो बिटुल भाई का घर जाना पड़ेगा, और दीदी लोग यहाँ पे, हाँ जा रहे हैं ना दीदी बैठे, हाँ हाँ तो जाना पड़ेगा, पूरा पेट पूजा भी कर लिया, फूल हो गया पेट। तो रूपम भाई आगे जा रहा है और किरण भी जा रहे हैं। अभी गाइस रूपम भाई का घर भी आ चुका है, अभी यहाँ से अमृत ले जाना है,
और रोहित अंजू तो बहुत खाता है ना, और रोहित का मम्मी भी खाता है यहाँ पर है अमरुद। देखते हैं अभी बहुत गिर पड़ा हुई है। देखिए ये तो नहीं ले जाऊँगा, ऊपर का अच्छा अच्छा ले जाना पड़ेगा। ओ देखिए गाइस अभी गिराना पड़ेगा इसको, ये डंडी से। तो मोबाइल को रख लेंगे। अभी गाइस अमरुद भी गिरा लिया, अभी ले जाना है। देखिए यहाँ पर है बहुत इतना सारा ज़्यादा, और तो लगाना है बैग पर गाइस। और बहुत खाता है रोहित का मम्मी, रोहित अंजू। बहुत विटामिन होता है गाइस, वाह। हम लोग को वहाँ पर नहीं है ना इस कारण से। तो मैंने तो अभी खाना खा लिया, खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन घर में जाके खाऊंगा मैं भी एक चूट जैसा। तो रोहित का मम्मी अंजू वो सब खा लेगा। तो अभी जाते हैं रूपम भाई से गप्पे सप्पे लड़ा के। तो बिटुल भाई के घर भी जाना है, बहुत दिन हो गया। तो गाइस फाइनली अभी बहुत दिन का बाद में बिटुल भाई का घर में आ चुका हूँ। प्रियंका जी कहाँ गया, सो रहे हैं? सो रहे हैं, मैं भी सो रहा था। अच्छा 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 अच्छा। और खबर सबर कैसे आपका? ठीक ठाक। आप दोनों का बढ़िया बढ़िया ना? हो ये पूरा गर्म तो पूरा धुम धड़क आ गए दो तीन दिन से। वाह, ये कुत्ता का नाम क्या है वो? कंची। चलो अभी बैठते हैं बिटुल भाई से गप्पे सप्पे लड़ाना पड़ेगा। तो बहुत दिन का बाद में आए हैं। तो वो ये मेरा मोबाइल का कुछ ये सेटिंग में उल्टा पुल्टा हुआ था, इस कारण से बिटुल और रूपम भाई ठीक कर दिया। तो ब्लॉग भी पब्लिक कर दिया। और यहाँ पर पहुँच के अभी पूरा ठंडा पानी खाना पड़ेगा ना, ठंडा पानी। नो लाइट। अच्छा हाँ, वैसे ठीक है। हम लोग का लिए गाँव का लिए पूरा पीना पड़ेगा ना। इसका तो पेट फुल पूजा था ना वहाँ में, वो रूपम भाई का वो भैया का ना, क्या उसका घर का नीचे का। तो आज तो क्या करें, बहुत दिन का बाद में आ चुका हूँ मैं बिटुल भाई का यहाँ पर, माँ जी। और यहाँ पर बिटुल भाई का पूरा ब्लैक फंटर निकाल लिया है ना। हाँ, और भाई कैसे है खबर? ठीक है अच्छा। यहाँ पर बहन जी कैसे है? बहन जी खबर बहुत दिन का बाद में आया ना। और ये आप लोग का ट्रेडिशनल और ड्रेस ना? हाँ, मिथिला ना ना क्या दुपट्टा? अच्छा अच्छा, हादी। अच्छा हम लोग तो दुपट्टा बोलते हैं। ठीक है ना खबर बहन का? अच्छा अच्छा अच्छा, बनाइए। तो अभी यहाँ पर भी आया, और बिटू भाई का वहाँ पर आया था, बहुत लेट तक गप्पे सप्पे मारा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रियंका जी का माँ पिताजी के साथ में थोड़ा वेट करके चला जाऊंगा बोल के आ गया था। तो वेट भी किया, अभी लाए धीरे, अभी निकालना पड़ेगा घर तरफ। ओ भाई साहब बहुत गर्म भी है। ओ देखिए गाइस, हाँ बहुत धूप। मैंने पूरा यहाँ बनाना खाने दिया, और बिटुल भाई यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है। कहाँ निकालने के लिए? कहाँ जाएगा? चाल कर देगा। हाँ ठीक है, आजकल बिटुल भाई भी पूरा फिशिंग करने लगे ना। हमको चाहिए 2.5 या 3 इंच का जाल, ऐसा ना ढूंढने के लिए जाएगा। ये देखिए गाइस, ये बहुत छोटा है, बहुत आ गया अभी, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि फिशिंग में ना, फिशिंग करने से अपना से खरीद करके खाना नहीं चाहिए, मछली मिलने से बस रात का डिनर, बस सुबह का लंच, हाँ बस लोकल मछली ना, एकदम अपना एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है। तो चलते बिटुल भाई, मिलते फिर ना। तो आप भी जाएगा होगा कहीं, और जाल लेने जा रहा है ना? ठीक है ओके, तो जाते हैं अभी ना। तो किरण भी अभी चलते हैं। तो गाइस अभी जाना पड़ेगा घर, और प्रियंका जी और बिटुल भाई भी कहाँ जा रहा है। तो ठीक है प्रियंका जी बैठे ना। ठीक है, मिलते आते रहेगा कभी कभी टाइम मिलने से। हाँ हाँ, वो ये अपना अपना काम भी अभी निकल गया, कुछ साग सब्जी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ठीक है जाता है, बाय बाय। हाँ तो गाइस फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ रूपम भाई और बिटुल भाई को मिल के। तो रूपम भाई का वहाँ पर गया था, थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम हुआ था, तो सेटिंग पर कुछ हुआ था ना गाइस, इसलिए तो इधर उधर मार्केट पर भी आ गया, इधर उधर गप्पे सप्पे लगाया थोड़ा। वही होता है ना, एक दूसरे दोस्त कोई भाई भैया मिलने से तो रोकना पड़ता है ना, बातें चीतें करना पड़ेगा, उसी कारण से अभी पहुँच चुका हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। और रोहित अंजू क्या कर रहे हैं? वो खाना पका रहे। और फिलहाल मैं एक काम में गया था, जो हांगकॉन्ग से 10,000 भेज दिया था, वो साइकिल खरीद करो भैया भाई बोल के भेजा था भैया ने,
तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो देखती हूँ, नहीं तो इसको साइकिल खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो घर बनाना पड़ेगा। तो भैया बोल रहा है नहीं तो दुर्गा पूजा खर्चा रखे, बोल रहा है देखती हूँ क्या होगा, नहीं तो घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गा पूजा खर्चा रखना पड़ेगा इस, तो उसी कारण से गया था। और रोहित ये खाना वाना बना लिया? हाँ रखो। अभी पापा ने अमृत लाया बोले, रूपा मांकुल और जेरी आंटी का से तुम्हारा, तुम लोग का लिस्ट में ले लिया। हाँ बहुत अच्छा है, तो तुम लोग का फेवरेट है ना? बहुत टेस्टी। लो ये पूरा पक्का वाला ना दीजिए, थोड़ा सामने आओ। हाँ मिल गया गाइस, लो मम्मी को पूरा पका रही है, मम्मी को और पका देखो। अंजू ने आ गया, अंजू भी आ गया, लो अंजू कैमरामैन। उस दिन को तो गाइस लाया था पापा ने और खाया था, बहुत अच्छा लगा था। ये तो सड़ गया, लगाना पड़ेगा ना हम लोग भी, हम तो ऐसे लाइट के परसादी। क्या का परसादी? क्या का? ओवन और रुपम भाई का, भैया का घर पर पूजा लगा रहा था, वो परसादी दिया था। हम लोग तो वहाँ खाना पीना भी खा लिया, वो खाना भी खा लिया। खाओ खाओ अमृत खाओ पूरा, बहुत इसको। ये कौन सा भाई बिक्री कर रहा था, जा रहा था, मैंने खरीद कर लिया। ओ इतना आता ना नींबू, इतना फ्रेश फ्रेश। ये देखिए गाइस कितना खरीदा है, ये 30 रुपीस। इतना ज़्यादा ये देख सकते हो गाइस, एक प्लास्टिक इतना ज़्यादा है, एक केजी। हाँ इतने से ज़्यादा है, 2 किलो से। लेकिन यहाँ में तो 20 रुपये 30 रुपये में इतना ज़्यादा मिलता है ना गाइस। 10 का 4 देता है नींबू, और चीनी भी लेके आया पापा ने, बिस्कुट भी ला दिया पापा ने, सब लेके आए। और ये अमरूद में झूला के खाऊंगी गाइस, ये वाला बड़ा वाला खाऊंगी। उस दिन को भी लाया था, इतना टेस्टी था गाइस खाने में। वाह ये देख सकते हो गाइस, हाँ खाने के लिए। और हम लोग का सारा लोग तो कहता है कि एप्पल वगैरह मत खाओ ऐसे बाजार से खरीद के, ये अमरूद खाना है। हाँ ये बोट इसमें, हाँ इसमें मतलब कि हम लोग का ये विटामिन है जैसा लगता है, 30% विटामिन रहेगा इसमें। हाँ और ये देख सकते हो गाइस इतना अच्छा चावल है, ये इसको जो लगाना पड़ेगा, ये पक चुका है ना गाइस, लाइट से तो कुछ दिखाई नहीं देते हो। ज्यादा पक है, उसको मत खाओ। हाँ इसको अभी जमा करके रखूंगी गाइस मैं, ये वाला खाओ ना, ये वाला। हाँ ये वाला खाऊंगी, ये दोनों खाऊंगी, ये डोटू खाऊंगी गाइस, बड़ा बड़ा है। तो चलो गाइस अभी इसको खाऊंगी सफा करके। तो गाइस सुबह सुबह ना, सुबह नहीं यार सॉरी, सुबह हो या शाम हो या दिन को ना, और लेमन लोकल लेमन है ये ऑर्गेनिक। देखिए एक भाई बिक्री करके जा रहा था, मैंने रास्ता से खरीद करके लिया, ये देखिए 30 रुपीस में दे दिया इतना ज़्यादा सारा। लेकिन उसको पैसा का कुछ काम था होगा, लेकिन ये देखिए पूरा लोकल ऑर्गेनिक। और यहाँ पर अमृत गाइस देखिए, वो ये देखिए, ये तो रूपम भाई से वहाँ से लेके, हाँ ये तो रोहित बड़ा बड़ा बांस ही लिया, और तुमको तो छोटा छोटा रख दिया। आंजी देखो मम्मी के लिए क्या दिया, मम्मी के लिए नहीं दिया, मेरा वाला है वो, होगा बराबर भाकर खाओ। वो एक लिया तो तुमको दो लिया ना, और ये तो सुबह के लिए खाने के चाहिए। हाँ रखो। और तेरा भैया कहाँ गया, वहाँ में होगा पुराना किचन में, उसको सब्जी देखने लीजिए। और उसको भी एक ठू दे दो ना, और सुबह खाना एक ठू खाओ। अभी खाना भी खाएगा, कितना खाएगा, परसादी कैसा लगा? ठीक है एकदम बढ़िया। और मंडे को तो कुछ सरप्राइज है गाइस। क्या सरप्राइज है मुझे तो पता नहीं, हमको पता है ना। हाँ? अभी नहीं बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं। मंडे को 24-25 बुझ गया पापा, मैंने रिवील मत करो बोल रहा है ना। रिवील नहीं करेगा, अभी आने के बाद ही रिवील करेगा। रिवील नहीं रे, रिवील हमको पता है, मंडे को पता है। ठीक है कोई बात नहीं, अंजू हमको सिखाए। अच्छा ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी खाना पक चुका है, और अभी दाल को बैठा है, अभी दिखते हैं वहाँ पर जाके दिखाएंगे गाइस। गाइस यहाँ पर देख ही सकती हो गाइस, मैंने दाल भी बिठा दिया है, और अभी ये पूरा उबल रहा है, और इसको अभी पूरा, ये तो अभी पक ही चुका है, अभी यहाँ पर वो फिरके बोलते हैं ना गाइस, उसको मारना है, उसका उसने इसको दाल को झानना पड़ेगा गाइस प्याज लगा के। तो मैं प्याज लगा के बाद में दाल झानूंगी, और थोड़ा सा मसाला भी डाल के, वो गोटा गोटा मसाला होता है ना, गोटा मसाला उसको लगा के झानूंगी, और बन के रेडी हो जाएगा, और खाना के साथ खाएंगे गाइस। ये देखिए गाइस अभी पक ही चुका है, अब इसको वो दाल को झान के वो फिरके लगाना है गाइस,
तो चलो गाइस अभी इसको नमाऊंगी। यहाँ पर गाइस देख ही सकते हैं पूरा गरम गरम आग तेजी से जल रहा है। मैंने जलाया आग दग लकड़ी को पूरा ठेल ठेल के, पूरा काफी मजा से जल रहा है आग, देख ही सकते हैं इतना गरम गरम है। इसका अंदर मेरा हाथ घुसने से खत्म गाइस। और मैं इतना रिक्सी काम कर रही हूँ यहाँ पर, मोबाइल सामने सामने ले जा कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ये मछली का माथा को जलाना है गाइस, चटनी बनाना है। तो कल जो ये रख दिया था ना उसी का माथा हम लोग सब्जी खा लिया मछली को जो कल को रात का डिनर में उसका माथा लोग को सब रख दिया था ना, तो ये डोठू को मैं चटनी बनाऊंगी। पापा ने बोला ये डोठू बना दो मुझे बोल के, पापा ने ऐसा बोला है, पापा खाएगा बोला है इसका चटनी गाइस। और मछली तो मिला नहीं चटनी खाएगा बोलने से, तो उसका माथा है तो इसी को मैं बनाऊंगी जला के गाइस। अभी इसको जलाऊंगी ऐसे करके, जलो जलो अच्छा से जलो, ये देखिए गाइस ऐसे जलाना पड़ता है। और यहाँ पर चिल्ली और ये लहसुन है, और हाँ लहसुन और चिल्ली मैंने कूट के रख दिया, और थोड़ा सा एक माथा जो जल गया था उसको मैंने ढाल के कूट दिया गाइस। और यहाँ पर जल रहा है धीरे धीरे से, दो ठू माथा है गाइस इसका मछली का पड़ेगा ऐसे। और दाल जो पक भी चुका है और इसको नमा के रख दिया, और ये जल चुका है, ज़्यादा नहीं जलाने काला हो जाएगा। ये देखिए गाइस पूरा धुआं उड़ रहा है, तो अभी मैं इसको निकालूंगी, अच्छे से निकालना पड़ेगा। अभी मैं निकाल लेती हूँ गाइस इसको। गाइस यहाँ पर देख ही सकते हैं दो ठू मछली का माथा को मैंने निकाल दिया सर को, अभी इसको ऐसा करके कूटना पड़ता है गाइस। ये देखिए गाइस ट्रेडिशनल हम लोग का ओखली, उसे ओखली बोलते हैं ना, ओखली बोलते हैं ना, ओखल बोलते थे, ओखली बोलते हैं। तो इसको ना गाइस इसमें ना चटनी लोग ऐसा कूट के ऐसा चटनी बना के खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, अपने हाथों से लोकल बना के खाते हैं ना हम लोग गाइस। ये भी लोकल है, ये काट का बनाया है पापा ने, और इसका कूटने वाला लाठी भी लोकल ही हाथ से बनाया। और ऐसे मछली का चटनी आलू का चटनी सब हम लोग इसी बना के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। ये देखिए गाइस इतना अच्छा हो गया, अभी ले जाना पड़ेगा उधर पर गाइस इसको, अच्छे से कूट लिया। ये देख सकते हो गाइस इतना जल्दी हो गया मछली का, मछली को जो अच्छे से जलाना पड़ता है, अच्छे से नहीं जलाने से नहीं होगा, वो अच्छे से नहीं भी कूटता है। और ये जो पूरा अच्छे से कूट गया गाइस, ये देखिए गाइस अभी मैं इसको ले जाऊँगी। गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं रात का डिनर गाइस, और आज पूरा सब पक के भी कम्प्लीट हो गया ना, तो मैं तो खा रही हूँ पूरा, खा ही लिया थोड़ा थोड़ा। और इधर में रोहित भी खा रहा है, और मम्मी खा रहा है, और पापा भी खा रहा है इधर में। आज तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आज का सब्जी तो पूरा स्पेशल है, मैंने बनाया गाइस मैंने। अंजू का नाक लंबा हो गया पूरा तारीफ भाई तारीफ ना, आज तो तारीफ करिए, कमेंट सब्सक्राइब में कमेंट करिए और तारीफ ना। और बहुत ही सब्जी है गाइस, ये क्या क्या दिन का भी था। और मैंने तो दाल और मच्छी का चटनी बनाया और खाना बनाया। रोहित देखिए ना गाइस इधर में खा रहा है, कैसा लगा है? पूरा मम्मी का स्पोर्टिंग लगा के बैठ गया है, तो गर्म लग रहा था ऐसे नंगा स्पोर्टिंग लगा बोला तो मम्मी का स्पोर्टिंग पहन के आ गई है, अच्छा लगा है एकदम। बाहर में इतना गर्म हो रहा था ना, बाहर में अच्छे से बैठ रहा था, तो स्पोर्टिंग लगा ऐसे नंगा खाना खाएगा बोले तो मम्मी का स्पोर्टिंग लगा के आ गया, खात रहा जो कर दिखाई दे रहा है रोहित को। कभी कभी मैं भी ऐसे करता हूँ कभी स्पोर्टिंग मम्मी का होने से भी लगा के बेच जाता हूँ, रोहित भी ऐसे ही कर लिया आज, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अंजू ने पापा का शर्ट लगा दिया सही में, सही गाइस इधर दिखाओ, इधर दिखाओ ना, सही बोला है रोहित, सही बोला है, इधर दिखाओ, देखिए ना गाइस सही बोला है ना रोहित, मेरे पापा का शर्ट लगा लिया और रोहित को पूरा इंसल्ट कर रहा है, अभी पकड़ खाया तो ना रोहित मैंने भी नहा के आया और स्पोर्टिंग धुला के सुखा दिया, और भी था ढूंढने का सुस्ती में, पापा ये शर्ट नहीं पहनते कब भी, पहले पहले पहनते था अभी नहीं पहना, और पापा नहीं पहनता पापा को छोटा हो गया, मैंने भी पापा का साथ पहना, रोहित ने भी मम्मी का स्पोर्टिंग पहन लिया। रोहित तो पूरा याद करके बैठा है साला, बहुत हुआ है बोल रहा था अपना खुद को, तो पापा का लगा नहीं ना रोहित आज तो मेरा बेइज्जती हो गया गाइस, मैंने रोहित को बेइज्जती किया था, रोहित के उल्टा मेरा बेइज्जती कर दिया, बेइज्जती हो गया ना राइट। ज्यादा अंजू को नाक लंबा हो रहा था ना, तारीफ किया खाना सब दिया चल, मैंने भी पापा का सर लगा के बैठा है, ज्यादा नाक लंबा हो गया। रोहित को दिखाओ, रोहित को दिखाओ, डायरेक्ट मारता है ना वो भी। अंजू का इतना बड़ा लंबा हो गया था ना नाक, अभी छोटा हो गया। रोहित भी किससे कम नहीं है गाइस,
बोला मेरा बेइज्जती कर दिया, मम्मी पापा मिल गए गाइस। तो चलो गाइस, हम लोग का फैमिली ऐसे कभी कभी मजाक करते रहना चाहिए। आप लोग भी कमेंट पर बता देना, आप लोग भी पापा मम्मी का कपड़ा हड़बड़ी में पहनता है कि नहीं पहनता है, मेरा वेट कर देता खास करके मेरा, मैं ज्यादा बोल रही थी ना बाद में, तो मैं ही पहन लिया शर्ट, इसलिए तो रोई जैसा करके खा रही। क्या हो गया, वो सोच रहा था। हाँ इधर देखो, ऐसा कर खा रहा था वो, दिख रहा है उसका शर्ट को, मैंने लगा के हुड मेरे को ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है पूरा। कहाँ से एम करके बेटा रोज ये बोलेगा, बोल गए इसका आंख तो बहुत वो है। वही तो हम लोग तो सबका शर्ट कपड़ा पहन लेते ना, कुछ नहीं होता। मैं तो जैसा भी कपड़ा पहन के मार्केट दुकान जहाँ में भी पहुंच जाता हूँ मैं गाइस। मुझे कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं चाहिए, बस रेस्पेक्ट चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं। कपड़ा से थोड़े ना सुंदर होता है, मन से दिल से अच्छा होना चाहिए ना गाइस, थोड़े ना कपड़ा अच्छा अच्छा फैशन फैशन में। कपड़ा तो फैशन फैशन पहनता हूँ मैं भी, वो ना कहाँ कहाँ पर घूमने टाइम पर, घर में बैठने टाइम पर, कैसा कपड़ा से अच्छा, दिल से साफ, दिल साफ होना चाहिए। कपड़ा अच्छा हो के साफ हो, साफ तो होना चाहिए लेकिन कपड़ा अच्छा पहन के फैशन दिखा क्या ही फायदा गाइस। हाँ थोड़ा दिखा दे, लड़का बच्चा सोच के बाप ना भाभी भैया सोच के बा माँ पिता सोच के देता है ना, वो एक गिफ्ट है, एक माने अमूल्य चीज है, वो लेना चाहिए। हम लोग इंसान भी करना नहीं सकता है ना, इस कारण से जो भी पैसा हो वगैरह वगैरह हो ना, पैसा हो कपड़ा हो जो भी हम लोग को देता है, और ऐसे आप लोग प्यार बना रखे और आगे हम लोग बढ़ते रहे है कि नहीं, इस कारण से मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यार करके देता है तब तो चलो गाइस, पहली बार ब्लॉग में आ रहा है। तो गाइस कल में सुबह को चला गया क्योंकि मेरा सेटिंग पर कुछ गंडागोल था मोबाइल पर, तो ठीक कर दिया रूपम भाई। तो उसके बाद में उसका मामा जी का घर पर भी गया, तो वहाँ पर जाके पूजा पर गया, तो बढ़िया से वहाँ पर भी वहीं पर हम लोग का दिन का लंच हो गया। और फिर गया हम लोग तो बिटुल का घर, प्रियंका का जी घर, क्योंकि बहुत दिन गया नहीं ना, तो बिटुल भाई प्रियंका को मिल के आया, गप्पे सप्पे लड़ाया। तो आते आते बहुत लेट हो चुका था और मोबाइल पर बैटरी भी नहीं था, अभी उठ के चार्ज किया। तो अभी वीडियो को सुबह को एंड करता हूँ गाइस, आई होप कि आप सभी की वीडियो को अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मतलब गाइस बाय बाय, मिलते हैं किस ब्लॉग में।